हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। टुडे आई एम हियर एट द ग्रीस साइकिल्स। सो आज हम एक बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है जायंट एस्केप। इस वीडियो में हम देखते हैं कि बाइक वर्थिट है इसके बजट में या नहीं। सो हियर वी आर विशाल, जो आपको इसके सारे फीचर्स बताएंगे वन बाय वन। बिल्कुल। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रांड कौन सा है हमारे सामने, ये आ जाता है जायंट। सर, ताइवानी ब्रांड और वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड, इसको कहने में कोई दो शक नहीं है, कोई राय नहीं है। बिकॉज भैया आपको भी पता है, आप भी नेशनल्स में गए थे, हम भी राइड्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जायंट एक ऐसा ब्रांड है जो आपको हर एक राइड में, हर एक कॉम्पिटिशन में मिलेगा। तो हमारे पास जो अभी बाइक है वो है जायंट की एस्केप 2 सिटी डिस्क। ये एक हाइब्रिड बाइक है। इसके एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्राइस आता है सबके माइंड में, कॉम्पोनेंट्स हम बता देते हैं, प्राइस आ जाता है। तो इसका प्राइस है 57,000 रुपीज़। वो हमारे स्टैक भी लगा हुआ है 56,999, दैट इज़ अराउंड 57,000 रुपीज़। इसके कॉम्पोनेंट्स की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। गियर सेट की बात करते हैं, 2x8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। शिमानो एल्टिस का पीछे आरटी लगा हुआ है। पूरा एलएक्स बटेड फ्रेम है। एक्सलेस बटेड फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल डाल के कम मटेरियल की वजह से फ्रेम की ज्योमेट्री अच्छी हो जाती है। अब तो गाइस, सबसे पहले ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भैया ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी काफ़ी अच्छी है, बट जो मेन बात मैंने इसमें नोटिस किया, दैट इज द वेल्ड ऑफ द फ्रेम, जो कि काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं। आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि बाइक पे रस्ट आ गया, बाइक बहुत शेकी लग रही है। बिकॉज अगर वेल्ड अच्छे ना हो, वीक हो, तो बाइक हमेशा हमें प्रॉब्लम देती है, जैसे मुझे पहले भी लगा काफ़ी बाइक्स में। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो हर एज के लिए अच्छी है, चाहे आपकी एज ज़्यादा हो या कम हो, आप यंग राइडर हो तो आपको बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका जो टॉप ट्यूब है काफ़ी स्लिम है, तो जो फीमेल राइडर्स हैं उनको काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा इस मामले में, क्योंकि उनको ज़्यादा आगे इजीली राइड हो सकेगा, क्योंकि पैडलिंग में हमें क्या होता है, कभी कभी थाइस टच होते हैं फ्रेम पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। बिल्कुल। अब ये ओवरऑल मतलब एक ऑलराउंडर बाइक हो जाएगी, जो एक मेल और फीमेल राइडर दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई फ्रेम की बात। जितनी भी वायरिंग हमें साइकिल में, वायरिंग सारी फ्रेम के अंदर से इंटरनल वायरिंग मिल जाती है। शिमानो एल्टिस के इसके शिफ्टर मिल जाते हैं, 2x8 का कॉम्बिनेशन है, दोनों अप एंड डाउन के साथ लगे हुए हैं, आगे पीछे दोनों हैं। शिमानो ट्रैक्टरों की ब्रेक्स आती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब बंदों को पता नहीं होता कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जाने का फायदा है नहीं है, बट मेरे हिसाब से इट्स ऑलवेज अ विन-विन सिचुएशन, बिकॉज जितनी भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स रहती है इनकी मेंटेनेंस कम रहती है। बस 2 से 3 साल बाद आपके, जब भी आपका ऑयल खत्म हो जाए, हमें ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। और ये आपको अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आप साइकिल काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहे हैं ना, ये पंप होकर चलती है ब्रेक्स, तो आप इनको जितना प्रेस करते रहेंगे उतनी बेटर होती रहेगी टाइम के साथ साथ। ये राइडर्स को नहीं पता होता, उनको लगता है कि मेरी ब्रेक खराब हो गई, बट ऐसा नहीं होता। सही हो गए ब्रेक्स की बात, शिफ्टर्स की बात, इसके टायर्स पे आ जाते हैं। ये टायर्स बहुत मेन है, बिकॉज इस टायर्स ग्रेवल बाइक का टायर जैसा डला हुआ है, ये ऑफ रोड और रोड रेस दोनों में यूज होगा। जायंट का क्रॉस कट टायर है, जिससे आपकी रोलिंग भी अच्छी रहेगी, स्पीड भी ज़्यादा पकड़ेगी। आगे पीछे दोनों क्विक रिलीज ऑप्शन, अपना भैया खुद ही खोल सकते हैं ट्रैवल करते हुए। फोक इसका फिक्स्ड फोक आ जाता है। फिक्स्ड फोक का क्या रीज़न है, जब हम प्लेन रोड पे चल रहे होते हैं अपने को रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बिकॉज अपना शॉकर ना हमेशा स्पीड स्लो ही करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रैक ने भी अपने सारे शॉकर्स हटा दिए साइकिल से, तो सेम इन्होंने भी ऐसे किया, जायंट ने अपने शॉकर्स हटा दिए, फिक्स फोक कर दिया, ताकि साइकिल का वेट कम रहे, आगे से वेट ही बिल्कुल जीरो हो गया और पोजिशनिंग अच्छी हो जाए साइकिल की। और रही बात अब इसकी सैडल, ये सैडल इसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। आपको लगता होगा सैडल बहुत छोटी चीज़ है, बट इस पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब राइडर्स होते हैं जो 6-7, 8-8 हज़ार भी स्पेंड करते हैं साइडल पे, उसके रीज़न क्या होता है, अपनी टेल बोन यहाँ पे एक्जैक्टली सही बैठनी चाहिए, बैक पेन नहीं होगा आपको, बॉडी की आपकी एक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज सैडल एक ऐसी चीज़ है, छोटा सा पार्ट है जैसे निकालने का, बट काफ़ी मेजर डिफरेंस लाएगा आपकी राइडिंग में, आपकी पूरी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, आपका पूरा पोस्चर चेंज हो जाएगा। अगर आप अपनी सैडल से अगर कंफर्टेबल नहीं है, आप 10 किलोमीटर भी नहीं चला पाएंगे साइकिल। अगर आपकी सैडल कंफर्टेबल, आप एक बारी में 100-200 किलोमीटर भी स्ट्रेच कर सकते हैं आराम से। तो जिसका बजट अराउंड 50s के अराउंड बजट है, और वो जाना चाहता है एक हाइब्रिड बाइक में, एक अच्छे ब्रांड में जाना चाहता है विद गुड ग्रुप सेट, अब काफ़ी बाइक्स होंगी जिसमें आपको 50,000 में आपको डियोरे भी मिल जाएगा, लीव्यू भी मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से उधर आपको ना कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करने के लिए फ्रेम में कहीं ना कहीं कुछ और कम कर दिया होगा। अब किसी राइडर को भी, आप मेरे हिसाब से 2x8 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका, चाहे फेलोस हो तो भी ठीक है, आपने डेली राइड करना है तो भी ठीक है। हाँ, अब काफ़ी राइडर्स को लगता है कि आगे हमारे पास एक गरारी होनी चाहिए, अकेला एक क्रैंक सेट होना चाहिए, बट वो सिर्फ एलिवेशन में फ़ायदा होगा। हाँ, आपको तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक से, आपको बल्कि दो चाहिए तो आप अलग अलग यूज कर सकते हो। हाई स्पीड पे हो तो आप बिग गियर यूज करो, आप क्लाइम पे हो तो आप छोटा गियर यूज करो। एलएक्स बटेड फ्रेम आ जाता है, काफी वाइड हैंडल है, तो ग्रिप और कंट्रोल काफी अच्छा आएगा। ट्रैक्टर की ब्रेकिंग आ जाती है, बहुत क्विक रिलीज ऑप्शन है विद इंटरनल वायरिंग, 57,000 रुपीज का है। सो आई होप आपको हमने सारे फीचर अच्छे से बता दिए हो। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पे जाके गिरी साइकिल्स का पेज भी चेक कर सकते हो, और वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो सारी बाइक्स को। एक कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जायंट भी एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है इस टाइम का।
आपको भी नहीं पता होगा जायंट अपनी ट्रेड बाइक्स का ऑफर दे रहे हैं कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी बाइक। आप बाइक लेके आइए, आपको फ्लैट 5000 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा बाइक में। अच्छा, और आप नई बाइक लेके जा सकते हैं। चलो मैं फिर वो लेके आया मुझे। सो गाइस, ये बहुत, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि आप पूरे इंडिया में जहाँ पे भी आप किसी अपने लोकल डीलर के पास या हमारे पास आप कॉन्टैक्ट करो, हम यहीं से भिजवा देंगे। तो आप एक बार बस अपने, ये वीडियो हमारी मेन रीजन क्या रहता है हमारी वीडियोज का, कि हम आपको गाइड कर पाए। हाँ, वही, बिकॉज देखिए वीडियोज तो एक्स वाइज बहुत ज्यादा साइकिल्स की वीडियोज आती है, बट हमारे यहाँ पे पर्पस क्या होता है, आपको गाइड कर पाए। बिकॉज बीइंग अ राइडर, मैं और भैया दोनों यही चाहते हैं कि हम साइकिलिंग कम्युनिटी को ग्रो करें। और आज तक हमने इतने सारे ब्रांड की बात की है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई स्पॉन्सर हैं या किसी सिर्फ एक ब्रांड की। अब लास्ट वीडियो हमारी ट्रैक की थी, अब जायंट है, कल को किसी और की होगी, तो आपको बिल्कुल बायस्ड वाला रिव्यू नहीं मिलेगा, हमारा रियल रिव्यू है। सो आई होप आपको जो बाइक सेलेक्ट करने में ईजी रहेगा। So guys, this was for the video. I hope you like it. If you do, then please give it a thumbs up and subscribe to me if you're new here. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.